मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी ही बहन जो अपने कम से कम 26 सालों से अपने भाई की कलाई का इंतजार कर रही हैं। हालांकि वो हर साल त्योहार के समय पे अपने भाई के लिए राखी तो भेजती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि उनका भाई सामने आकर के उनसे राखी बंधवाए। क्या नाम है आपका? शशि पयाल। ये बताइए कि आपके भाई का नाम क्या है? अजय श्याम बिष्ट। कौन है अजय श्याम बिष्ट? योगी आदित्यनाथ जी। क्या आप योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं उन्हीं की बहन हैं? हाँ जी। तो ये बताइए कि कब से इस त्योहार को आप ऐसे ही मनाते आ रही हैं, कब से उनको राखी आपने खुद सामने बैठकर नहीं बांधी है? 26 साल हो गए, 26 साल से राखी। दुख होता है कि हर भाई सामने होता है बहन के उस त्योहार के पे? हाँ जी, और भाइयों को हाथ में राखी बांधते हैं, उस समय दुख होता है कि चारों भाई सामने रहे तो अच्छा लगता है। लास्ट बार जब राखी आपने बांधी थी इस त्योहार पे, तो कब कौन से सन में बांधी थी आपने? 92 में बांधी होगी, उसी समय बस, उसके बाद तो हाथ में कहाँ मिले भी नहीं साथ ऐसे। आखिरकार क्या कारण रहा कि वो जब यहाँ से अपने गांव से गए, उसके बाद आखिरकार क्या कारण रहा कि आपसे नहीं मिलने आ पाए या आप उनके पास नहीं जा पाए? वहाँ के गोरखपुर के सांसद बन गए थे, तब से वो यहाँ नहीं आए। बिथ्याणी में उनका एक कॉलेज खोल रखा है, वहाँ कभी आते हैं तो मतलब ऐसे भाई बहन के तौर पे कभी मतलब बात नहीं करते, बस अपने ऐसे ही कॉलेज के बारे में पूछते हैं पिताजी से बस, बाकी मतलब हम लोगों से ऐसी बात नहीं करते कि जैसे कि भाई बहन रहते थे हम, ऐसी बात नहीं हुई तब से। आखिरकार दुख होता है इन सब चीजों को देख करके, सोच करके दुख होता है? हाँ जी, बहुत दुख होता है। ये बताइए कि वो पुरानी यादें आप लोगों के साथ जुड़ी हैं, आप उनकी सबसे छोटी बहन है हालांकि उनसे बड़ी हैं, पुरानी यादें कुछ जुड़ी हुई हैं आपकी इस त्योहार पे? आप लोग क्या करते थे रक्षाबंधन के त्योहार के दिन? पूरे सब भाई बैठते थे, थाली में फूल धूप जला के मिठाई रख के राखी बांधते थे सबके हाथों में, फिर मिठाई खिलाते थे सबको। तब से तो उनको देखा भी कहाँ ऐसे टाइम पे। आपने सोचा था कि कभी जो जिस भाई को आप स्कूल छोड़ने जा रही हैं, जिस भाई के साथ आप खाना पीना खा रही हैं, मौज मस्ती कर रही हैं, हंसी मजाक कर रही हैं, वो भाई अचानक से ऐसे वस्त्र धारण कर लेगा? नहीं, ऐसा कोई बहन भी नहीं सोचेगी कि मतलब मेरे भाई ऐसे बनेंगे। पर वैसे मतलब सही भी है कि नाम तो चारों तरफ से उन्हीं का आ रहा है, और जब टीवी में देखते हैं उस समय लगता है कि जैसे अपने सामने होंगे भाई बैठे हुए। थोड़ा इंतजार रहता है कि थोड़ा हमारे साथ बात कर लेते तो सही रहता है। कभी ऐसा हुआ कि इस त्योहार पे आपने उन्हें फोन किया हो उनका हालचाल जानने के लिए या अपना हालचाल बताने के लिए, उन्होंने आपको फोन किया हो? नहीं, कभी नहीं। आखिरकार क्या कारण रहा कि अब संपर्क नहीं हो पाता है आप लोगों का? वो परिवार से मतलब संबंध ही नहीं रखते किसी से ऐसा। उनके लिए तो पूरा परिवार ही अपना है, पूरा मतलब जितने भी है जनता मतलब सब अपने ही है। एक भाई बहन मतलब अपने भाई बहन ऐसे नहीं है कि अपने हैं। बात बताइए जो अब तक किसी को ना पता हो, सिर्फ आपको पता हो, कुछ ऐसी बातें जो अब तक किसी को शायद ना बताई गई हो। नहीं, ऐसे तो कुछ याद नहीं है, पर हाँ एक बार पहले जब छोटा था स्कूल में जाते थे हम, मेरे से पीछे वाले भाई और मैं स्कूल जाती थी, तो वो छोटे थे, वो मेरे साथ मतलब स्कूल आने के लिए रोने लग गए, तो मैंने मम्मी को आवाज लगाई कि मम्मी भाई आ रहा है, इनको ले जाओ घर, ये छोटा है, हमारे लिए देर हो रही है। तो मम्मी खाना बना रही थी तो मम्मी आई, फिर तो मम्मी ले गई कि वो जिद करने लग गए कि नहीं मैं तो स्कूल जाऊंगा दीदी के साथ, तो फिर मम्मी घर ले गई। बाकी पढ़ाई लिखाई में कैसा था, क्या आप उनको बैठा कर पढ़ाती थी? पढ़ाई लिखाई में कैसे थे, क्या वो पढ़ते थे या फिर खेल कूद में ज्यादा उनका मन रहता था? पढ़ाई तो बहुत अच्छी थी उनकी, नंबर भी अच्छे आते थे। अच्छा ये बताइए कि लगभग जैसा आप बता रहे हैं 92-92 से आप उनको सामने नहीं देख पाई हैं इस त्योहार पे, या फिर आप कुछ तैयारी करती हैं, राखी भेजती हैं, कुछ ऐसा होता है? हाँ, राखी भेजते हैं दिल्ली के एड्रेस पर, वहाँ तो भेज देते हैं, पर फिर अपना तो फोन करते हैं हम कि राखी पहुँच गई ना, फिर वो करते हैं फोन कि आप ही राखी मिल गई। कौन लोग फोन करते हैं?
कोई नहीं, बस पता भी नहीं लगता, हम तो अपने दिल से भेज देते हैं, बाकी क्या पता पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है उनको। तो कभी फोन नहीं किया आपने कि भाई राखी भैया मैंने राखी भेजी है आप जो है देख लेना, या आपको मिली या नहीं मिली? सबके बारे में पूछ लेते हैं, उनको पूछना क्या है, बस बात कर ही नहीं पाते हम उनसे। अच्छा ये बताइए कि कोई गिफ्ट विफ्ट आज तक जब 92 से पहले आपको योगी जी ने दिया है, अजय सिंह अजय विष्ट जी ने? नहीं, यहाँ जब यहाँ आते थे तो हमारी लड़की छोटी थी, टॉफी वगैरह लाते थे, मिठाई लाते थे, बाकी ऐसा तो कोई पहले कहाँ था ऐसा। पहले तो सब मतलब ये तो अब हो गया कि कोई गिफ्ट ले जाता है, कुछ ले जाता है, पहले तो ऐसे ही थे कि बस टॉफी ले जाओ, मिठाई का डिब्बा ले जाओ, बस। बाकी पहले तो मतलब यही सुनाई दिया गांव में कि मतलब वो जोगी बन गए। आपने कभी दिल्ली लखनऊ या फिर गोरखपुर जाने की कोशिश की? नहीं, कोशिश भी नहीं की। भांजे जो हैं उनके भांजे भांजी जो हैं वो पूछते हैं? हाँ पूछते हैं। क्या जवाब देते हैं आप? हम बोलते हैं कि वहाँ नहीं जाना है, वो तो अलग उसमें रहते हैं, जब उनका परिवार ही नहीं है तो क्या करना है वहाँ जाके, बात भी नहीं करेंगे ठीक से। अच्छा ये बताइए, आपकी बहन का परिवार है और साफ तौर पर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रक्षाबंधन के त्योहार पर उन्हें इंतजार रहता है योगी आदित्यनाथ अजय बिष्ट का, इस बार भी वो इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने हर साल की तरह इस बार भी कोरियर के द्वारा उनके दिल्ली के एड्रेस पर राखी तो जरूर भिजवाई है, लेकिन वो ये चाहती हैं कि एक बार उनसे फिर दोबारा से भाई कलाई पर राखी बंधवाए। किरणकांत शर्मा, ईटीवी भारत, ऋषिकेश।